सर्दी के इस मौसम में ठेले पर चटकारे लेने का आनंद ही कुछ और है, लेकिन संक्रमण के इस दौर में यह खतरे से खाली भी नहीं। कुछ ठेले तो साफ सुथरे हैं, लेकिन अधिकतर जगह गंदगी दिखाई देती है। खुले में बेची जा रही खाद्य सामग्री तत्काल आनंद तो दे सकती है, लेकिन बीमारी भी परोस सकती है। शहर में अनेक स्थानों पर ठेले खूमचे लगाए गए हैं, चाट पकौड़ी, कबाब, पराठा, मोमोज आदि खुले में बेचे जा रहे हैं। कई जगह तो नाले पर खूमचे लगाए गए हैं, जहां पर पहले से ही गंदगी का अंबार है। ऐसे में बेहद सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। ज्यादातर खूमचों पर खाद्य सामग्री को खुले में ही रखा जाता है। जागरूक होकर अपनी सेहत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी खुद की ही है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, पता नहीं किस रूप में वायरस धोखा दे दे। इसलिए अगर आप भी घर से बाहर खाने पीने के शौकीन हैं तो संभल जाइए। आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में दूषित खाद्य और पेय पदार्थों के सेवन के कारण पेट संबंधित बीमारियों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार सड़क किनारे लगने वाले ठेले या साफ सफाई को अनदेखा कर तैयार होने वाले खाद्य और पेय पदार्थों के कारण ऐसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टरों के अनुसार छोटी छोटी जगहों पर तैयार होने वाले इस तरह के फास्ट फूड में साफ सफाई को लेकर लापरवाही बरती जाती है। इसके चलते यह दूषित होता है और इसके इस्तेमाल करने पर पेट की बीमारियां भी होती हैं। कई बार यह समस्या लिवर तक को काफी खराब कर देती है। हैरत तो ये है कि अन्न व औषधि प्रशासन अर्थात FDA के नियम कानून पर गौर करे तो खाद्य पदार्थ बेचने वाले के पास बीमारी नहीं होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र होना जरूरी है, लेकिन कितनों के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है इसकी कोई जानकारी FDA के पास ही नहीं है। नियम कहता है कि फुटपाथ, सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर खुले में खाद्य पदार्थ बेचने वालों के पास बीमारी नहीं होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र होना जरूरी है। MBBS या BAMS डॉक्टर से प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र की मियाद अधिकतम 1 साल तक रह सकती है। इसका नवीनीकरण भी करना अनिवार्य होता है। फुटपाथ व सड़क पर जिले में कितने खाद्य पदार्थ विक्रेता है इसका कोई आंकड़ा प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है। वैसे नागपुर जिले में 12 लाख से कम टर्न ओवर वाले 12,000 पंजीकृत व 12 लाख से ज्यादा टर्न ओवर वाले 5,000 से ज्यादा लाइसेंसी विक्रेता है। ये वह विक्रेता है जिनके दस्तावेज FDA के पास उपलब्ध है और बारी बारी से इनकी जांच होती रहती है। इनके अलावा फुटपाथ व सड़क पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों की जांच ही नहीं हो पाती। FDA के पास नागपुर विभाग में केवल 20 इंस्पेक्टर हैं, जिन पर नागपुर समेत 6 जिले का भार है। अंदाज सहज है, मात्र 20 इंस्पेक्टर किस तरह गली गली में दुकान सजाए विक्रेताओं की जाँच कर पा रहे होंगे। अन्न व औषधि प्रशासन विभाग नागपुर के सह आयुक्त S. अन्नपुरे भी इस सच को स्वीकार करते हैं कि फुटपाथ व सार्वजनिक स्थानों पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों की संख्या हजारों में है और सभी के पास पहुंचना संभव नहीं। जनजागृति कार्यक्रम लेकर मार्गदर्शन भी किया जाता है। जो नजर में आते हैं उनकी जरूर जांच भी होती है। कितनों पर कार्रवाई हुई ये अभी तक बता पाना तो संभव नहीं है। जिन खाद्य विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस है उनके यहाँ विभाग के अधिकारी जाकर चिकित्सा प्रमाण पत्र है या नहीं इसकी जांच तो करते हैं। प्रमाण पत्र नहीं होने पर 14 दिन का समय दिया जाता है। एक प्रमाण पत्र अधिकतम 1 साल तक वैध है। हकीकत तो ये है कि नागपुर विभाग के अन्न पदार्थ की जांच पड़ताल के लिए अहम समझा जाने वाला प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। पूरे प्रयोगशाला में 31 पद हैं, लेकिन काम करने वालों की संख्या पूरी 15 भी नहीं है। मार्च 2020 में विधान परिषद सदस्य प्राध्यापक अनिल सोले ने ये मामला प्रमुखता से सदन में उठाया था। तब नागपुर में फूड एंड ड्रग्स विभाग की लेबोरेटरी में कर्मचारी नहीं होने के प्रश्न पर मंत्री शिंगने ने बताया था कि इस लेबोरेटरी को अप्रैल 2015 में सरकार ने मंजूरी दी थी, लेकिन इस लेबोरेटरी के लिए नए पदों के योजना प्रारूप को मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी की कार्यवाही को विलंब हुआ, लिहाजा सितंबर 2017 में सरकार ने निर्णय लेकर औरंगाबाद की लेबोरेटरी से नागपुर की लेबोरेटरी में 7 कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया। इन कर्मचारियों को औरंगाबाद से वेतन भत्ता दिया जाता रहा। अन्न खर्चों का अधिकार सहायुक्त अन्न व औषधि प्रशासन नागपुर को दिया गया। गतिरोध बना हुआ है और विभाग अपने बल का रोना रो रहा है। 5 मार्च 2018 को एक रिपोर्ट आई थी, उसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए। रिपोर्ट में साफ कहा गया
कि खाद्य सामग्री की जांच में नागपुर काफी पीछे है, जबकि गढ़चिरौली जैसा जिला इससे आगे है। खाद्य व औषधि विभाग द्वारा अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 में किए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था। तब खाद्य व औषधि विभाग ने 10 महीने में नागपुर विभाग के नागपुर शहर, नागपुर ग्रामीण, भंडारा, वर्धा, चंद्रपुर तथा गढ़चिरौली जिले में विविध स्थानों से खाद्य पदार्थों की 889 नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे थे। जांच रिपोर्ट में 123 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसका प्रमाण 13.83% था। इसमें नागपुर शहर में सबसे अधिक 19.16% और ग्रामीण में 16.04% नमूने फेल हुए थे। मतलब मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री में नागपुर जिला व शहर दोनों ही नागपुर विभाग में सबसे आगे पाए गए थे। इन 3 सालों के दौरान कोई बहुत बड़े फर्क की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। तो इसका अर्थ यही हुआ कि हम जिन ठेलों का लजीज व्यंजन खाकर चटकारे लेते हैं, उसकी हकीकत कुछ और है और वह हमारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इसके ठीक कुछ 10 दिन बाद 10 जुलाई 2018 को ये भी सच सामने आया कि देश में सर्वाधिक 9,43,000 खाद्य व्यवसायियों का पंजीकरण महाराष्ट्र में ही हुआ है। ये जानकारी तत्कालीन अन्न एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री मदन येरावार ने विधानसभा में एक ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में दी थी। उन्होंने खुलासा किया था कि विभिन्न स्थानीय निकाय संस्थाओं के समन्वय से छोटे खाद्य विक्रेताओं को पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल किया गया और ये लक्ष्य हासिल किया जा सका। तत्कालीन विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्णन विखे पाटिल ने इस संबंध में ध्यानाकर्षण सूचना पेश की थी। इसके जवाब में राज्य मंत्री श्री येरावार ने कहा था कि प्रदेश में 7,00,665 खाद्य व्यवसायियों का पंजीकरण किया गया है और 2,11,527 खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस दिए गए हैं। देश के 36 राज्यों में 38,00,000 खाद्य व्यवसायियों का पंजीकरण हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा 9,43,000 पंजीकरण महाराष्ट्र में हुआ है। सवाल ये है कि अगर प्रशासनिक स्तर पर अमला इस तरह मुस्तैद है तो फिर स्थानीय स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है। वर्ष 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत की थी ताकि आम जनजीवन को सही खान पान की जानकारी मिले। बाजार या चौक चौराहों पर आसानी से मिलने वाले फास्ट फूड से हमेशा दूरी बनाए रखें। इन खाद्य पदार्थों में धूल, मिट्टी के कण पड़ना तथा इनमें प्रयोग किए जाने वाले सामग्री निम्न कोटि का होना आम बात है। कई बार छापेमारी के दौरान बाहरी खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की बात भी सामने आई है। इन सब की रोकथाम के लिए समय समय पर संबंधित विभाग की ओर से अभियान चलाया जाता है। इसीलिए इन बाहरी जंक फूड से हमेशा बचें और घर पर बना खाना ही खाएं। बाहरी खाद्य पदार्थों में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल काफी अधिक किया जाता है ताकि कम पूंजी में अधिक मुनाफा कमाया जा सके। ऐसे लोगों को जनता की सेहत से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ पैसे बनाना चाहते हैं। जीवन अनमोल है, इससे खिलवाड़ करना महंगा पड़ सकता है। शुद्ध भोजन अति आवश्यक है, दूषित व विषाक्त भोजन के जान भी जा सकती है, इसलिए खान पान के प्रति हमेशा सतर्क रहें। खुली खाद्य सामग्री से उल्टी, दस्त, डायरिया होने के 100% चांस रहते हैं। खुले में बिक रही असुरक्षित खाद्य पदार्थों में काल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया तेजी से फैलता है। मक्खी, मच्छर व अन्य कीट इसे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। खुली खाद्य सामग्री से ये जीवाणु मनुष्य की आंत तक पहुंचकर पनपने लगता है। आंतों में इन्फेक्शन, आंत्रज्वर, घाव होना शुरू हो जाता है जो मियादी बुखार का रूप लेकर टाइफाइड में बदल जाता है। ये मनुष्य के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पूरे देश में जहाँ तक खुली खाद्य सामग्री बेचते दुकानदारों, होटल, हाट ठेला वालों को आसानी से देखा जा सकता है। खुली खाद्य सामग्री बेचने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा भी इसकी रोकथाम की कार्रवाई तेज करनी चाहिए। धूल मिट्टी कीटों से उत्पन्न जीवाणु खुली खाद्य सामग्री को जहरीला बना रहे हैं। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।